वो क्या करता था, तीन हाथ नाके पे जाता था, उसके पास हरे, बोलो हरे, पीले, लाल, नीले, हरे पीले लाल नीले रंग के बलून लेता था, उसमें हवा भरता था, उसको बांधता था और ऊपर फेंकता था और नीचे खींच लेता था, ऊपर फेंकता था नीचे खींचता था, ऊपर फेंकता था नीचे खींच लेता था, और तीन हाथ नाका पे ऐसे ही लाइफ चल रहा था उसका। एक दिन एक छोटा सा बच्चा आता है और उसको पूछता है, काका मला एक प्रश्न विचारायचा आहे, मला बलून नाही पाहिजे, मला फुगा नाही घ्यायचा आहे, आय हॅव वन क्वेश्चन, कुड यू गिव द आन्सर? बोले येस व्हाय नॉट। तो पूछता है, ये लाल रंग का बलून ऊपर जाता है, हरे रंग का बलून ऊपर जाता है, नीले रंग का बलून ऊपर जाता है और पीले रंग का बलून ऊपर जाता है, हरे रंग का, लाल रंग का, नीले रंग का, पीले रंग का, ये सब बलून ऊपर जाता है, समझो काले रंग का बलून लिया तो ऊपर जाएगा क्या? काले रंग का बलून, काले रंग का बलून, काले काले रंग का बलून अगर लेंगे तो आसमान में जाएगा क्या? नहीं जाएगा, 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 जाएगा। एंड दैट बलून सेलर ही सरप्राइज, वो उस बच्चे को देखकर सरप्राइज हो गया, क्योंकि वो जो बच्चा था ना, वो जो बच्चा था ना बेचारा, बहुत गंदा गंदा जैसा कपड़ा पहना था, पैर में जूता नहीं था, हाफ पैंट था, वो भी हाथ से सिया हुआ था, एकदम गरीब बच्चा लग रहा था। वो समझ गया, दिस क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द बलून, दिस क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द बलून। ये बलून का सवाल नहीं था साहब, ये सवाल पूछा था, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हम जिस समाज में रहते हैं, हमको लोग बोलते हैं, अरे तू तो हाइट कमी है, तू काय पिक्चर मध्ये काय जाणार, अरे तेरा चेहरा देखा कि चेहरा पूरा खड्डा है, तू क्या जाएगा पिक्चर में, तू क्या बनेगा डॉक्टर, तू क्या बनेगी पायलट, अरे तुम लोग तो लेडीज़ है, लेडीज़। अच्छा तो लेडीज़ लोग पायलट नहीं बन सकती क्या? अरे तुम लोग तो शर्मा है, शर्मा, अरे गुप्ता है, गुप्ता, पाटिल है, पाटिल, लेवा पाटिल, अरे राठौर है, राठौर, अरे पुलिस पाटिल है, अरे ये है, अरे वो है, क्या क्या लोग बोल देते अपने को, नहीं क्या? तो याद रखिए, एंड दैट बलून सेलर रिप्लाइड, माई डियर चाइल्ड इज नॉट कलर ऑफ बलून, माई डियर चाइल्ड इज नॉट कलर ऑफ बलून, व्हाट्स इनसाइड इट दैट मेक इट गोज अप, माई डियर चाइल्ड इज नॉट कलर ऑफ बलून। ये बलून कलर की वजह से आगे नहीं जाता है, ये नाम की वजह से। पिताजी का नाम क्या है? नहीं सर, वो पिताजी का नाम गंगाराम है, तो क्या गंगाराम का लड़का कभी आगे नहीं जा सकता है क्या? नहीं, वो क्या नाम, वो माँ का नाम ना गीता है, गीता, तो गीता देवी का लड़का आगे नहीं जा सकता है क्या? नहीं, वो फुनसुख बांगड़ू है, फुनसुख बांगड़ू, तो फुनसुख बांगड़ू लोग आगे नहीं जा सकते क्या? नहीं सर, वो हम लोग केरला में रहते हैं, तो केरला वाले आगे नहीं जा सकते क्या? सर वो हम लोग थाने में रहते हैं, हम लोग राबोड़ी में रहते हैं, हम लोग ना सर वो तीन हाथ नाका में रहते हैं, हम मुलुंड में रहते हैं, तो क्या मुलुंड वाले आगे नहीं जा सकते क्या? इट्स नॉट कलर ऑफ बलून, इट्स व्हाट इनसाइड इट। ये दो कान के बीच में लेके आप क्या घूम रहे हैं? ये दोनों पकड़ो, कान को पकड़ो, खींचो उसको, इसके बीच में क्या लेकर घूम रहे हैं? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड माइंड। ये माइंड है ना, ये आपको ऊंचाई पर लेकर जाएगा, ये माइंड आपको ऊंचाई पर लेकर जाएगा। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले सेट योर माइंड, माइंड सेट होना चाहिए, हमारे लाइफ में माइंड सेट होना चाहिए। अगर माइंड सेट नहीं रहेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। मेरा माइंड सेट था यहां पर आने का, मैंने सर को रिक्वेस्ट किया, मैं आ गया यहां पर। आपका माइंड सेट था आज स्कूल में जाना है, ये तो आप बोल सकते थे, वो मैं आजार, ये पोट दुख तो असा तसा, आंख के ऊपर ये क्या बारिश हो रहा है, धूप निकला है, कुछ भी बहाना बांध के नहीं आ सकते थे। लेकिन आपका माइंड सेट था मुझे जाना है, मी शायद जाना, मी शायद, हाँ बस ये माइंड सेट था। और याद रखिए, जिसका माइंड सेट पक्का हो जाता है ना, वो जीत जाता है, जीत जाता है। माननीय सम्माननीय नामदार श्री एकनाथ शिंदे साहब का नाम सुना है किसी ने? अच्छा, नाम सुना है आपने? कहाँ पे सुना है नाम? बैनर पे, टीवी पे। अभी मैं कुछ दिन पहले उन्हीं के साथ बैठा था, कुछ दिन पहले, यानी 31 दिसंबर को यहाँ पे रक्तदान शिविर था धर्मवीर साहब के नाम पर। हाँ, कौन है वो? मुख्यमंत्री साहब। क्या करते थे पहले? देखिए, आप आज के तारीख में किधर, वो जाने दीजिएगा, आप किधर जाने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट है। आज के तारीख में पिताजी ठेला लगा रहे होंगे, आज के पिताजी कहीं टीचर होंगे, आज के तारीख में पिताजी बैंक में काम करेंगे, आज के तारीख में पिताजी कुछ कहीं पे ठेला वगैरह, रिक्शा वगैरह चला रहे, कोई बात नहीं साहब, आप किधर जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, आप क्या करने वाले हैं। और याद रखिए, पढ़ाई हथियार है जो आपको आगे लेके जाएगा। सेकेंड नंबर इज वाइब्रेशन, बोलो वाइब्रेशन, वाइब्रेशन,
अगर आपको मैं बोलूंगा सैड मोमेंट को याद करो, प्लीज क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज, और आपके लाइफ का सैड मोमेंट याद करो, कोई सबसे बुरा दिन था, बुरा घटना था, उसको याद करो। आपके लाइफ का सबसे बैड मोमेंट, घूमते रहिए, सब आपके लाइफ का सबसे बैड मोमेंट जो है उसको याद करो।